ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 2 दिवसीय ग्वालियर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने विपक्ष की जेपीसी की मांग पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री मोदी के नाम को साफ करने और जेपीसी की अनुमति वाले बयान पर कहा है कि विपक्ष पूर्ण रूप से विवश हो चुका है, जिससे एक संकीर्ण और विघटनकारी विचारधारा स्पष्ट हो रही है। कई मुद्दे ऐसे हैं जिनकी जड़ में आप जाओ तो उनकी शुरुआत कांग्रेस के शासनकाल से ही हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अखबार में पढ़ा है कि आजकल कांग्रेस का एक एक नेता चीन के नक्शे की बात कर रहा है। विपक्ष आज पूर्ण रूप से जो भावना देश की जनता ने और जो विश्वास देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी में व्यक्त किया है, विपक्ष पूर्ण रूप से विवश हो चुका है। और इसलिए जो विचारधारा, जो सोच, वो देशभक्ति की विचारधारा, देश को बनाने की विचारधारा नहीं, लेकिन एक संकीर्ण विचारधारा, विघटनकारी विचारधारा आज स्पष्ट हो रही है। कई मुद्दे ऐसे हैं जिनकी जड़ में आप जाओ तो उनकी शुरुआत कांग्रेस के शासनकाल के समय से ही हुई है।